إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف लायक व सजावार है सारे जहान के खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए जिसने हमें रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता किया और अपने फजल व करम से इस माह की सआदतों से फैदियाबी का भरपूर मौका अता फरमाया। दुरूद व सलाम नाजिल हो जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया शाफे रोदे जजा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने माह रमजान में की जाने वाली इबादतों का इल्मी और अमली नमूना हमारे सामने पेश किया। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आया और समझिए कि चला भी गया। गालिब गुमान यही है कि उसका आखिरी दिन आज है। इस महीने की शुरुआत किस तरह हुई और किस कदर तेजी के साथ ये महीना गुजर गया,
आम तौर से लोगों को एहसास भी नहीं हुआ। महीने की आमद पर इबादतों का फरीजा मुसलमानों पर आयद किया गया था, जिसमें कुछ इबादतें तो फर्ज की और कुछ इबादतें सुन्नत और नवाफिल की थी। बहुत से लोगों ने इस माह में की जाने वाली इबादतों से भरपूर फायदा उठाया, फराइज की अदायगी भी की, सुनन व वाजिबात को भी बजा लाए, मुस्तहबात तक पर भी इंसान ने तवज्जो खुसूसी दी। दिन में की जाने वाली इबादतें हों या रात में, सुबह में की जाने वाली इबादतें हों या शाम में, हत्तल बसा हत्तल मकदूर हत्तल इम्कान, बहुत से लोगों ने इन इबादतों से फायदा उठाया, फैदिया भी हासिल की और अपने नामे अमाल को आरास्ता और पैरास्ता किया। ऐसे भी बदकिस्मत अफराद हैं जिन्हें रमजान जैसा मुबारक मुयस्सर हुआ, इसके बावजूद उनके अंदर इबादतों का शौक नहीं जागा। जिस तरह रमजान से पहले उनकी जिंदगी लाओबालीपन की गुजर रही थी, माहे रमजान में भी उनकी जिंदगी वैसी गुजरती रह गई। यकीनन वो इंसान बड़ा बदनसीब वाकई हुआ है जिन्हें रमजान जैसा मुबारक महीना मिला और उसे इबादतों की तौफीक न मिल सकी। हमें अपनी खुशनसीबी पर फख्र नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें चुना था, अपनी इबादतों के लिए मखसूस किया था, औकात को फारिग करा कर फर्ज वाजिब नवाफिल मुस्तहबात तक की इबादतों के करने की तौफीक बख्शी थी। इस पर अल्लाह तबारक बताला का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए कम है। रहा इसके बाद का मामला, ये इबादतें हमने बारगाह इलाही में पेश तो कर दी हैं, अब वो इबादतें अल्लाह कबूल करता है कि नहीं, या कबूल किया है या नहीं, हमें समझना चाहिए कि अगर रमजान की आमद पर हमारा दिल अल्लाह की इबादतों पर मुतमईन हो गया और जो जो रमजान के दिन गुजरते गए हमारी जिंदगी में तब्दीलियां आती चली गई और रमजान के बाद भी इसके असरात और फयूज़ और बरकात की झलकियां हमारे जिस्म और जान पर और हमारे समाज मुआशरा पर बाकी रहा, तो समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक बताला ने हमारी इबादतें कबूल की है और जो मौका हमें फराम किया गया था हमने उसे गवाया नहीं, बल्कि उसकी कदर करते हुए अल्लाह को खुश करने की कोशिश की थी और अल्लाह हमसे राजी हो गया। रमजान का रोजा फर्ज की हैसियत से आयद किया गया था, जिनके कुछ आदाब थे, उसूल और जवाबित थे, तो जिन लोगों ने आदाब का ख्याल रखा यकीनन वो इंसान अपने दामनों को रमजान के फयूज और बरकात से भर लिया होगा। और जिन लोगों ने रोजा भी रखा
लेकिन अदब व एहतराम का ख्याल नहीं रखा, रमजान की तादीम और तकरीम नहीं की, इबादतों का खास एहतमाम नहीं किया। जिन बंदगी को बजा लाने की ताकीद की गई थी उसे कमा हक्कहू बजा लाने की कोशिश भी नहीं की। यकीनन ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह हमारी इस महरूमी को दूर करे और हमारी खता और लग्दिशों को माफ करे और हमारे गुनाह की मगफरत फरमाया। रमजानुल मुबारक जिसकी 29वीं तारीख है, दुनिया के बास इलाकों में आज ईद मनाई भी जा चुकी है। इस मुनासिबत से ज्यादातर उम्मीद यही है कि कल हमारी ईद हो जाएगी। शाम के वक्त सूरज के गुरूब होने के बाद चांद निकलने की सूरत में माह रमजान खत्म हो जाएगा। अब चंद घंटे और चंद लम्हे हमारे पास है। हदीस रसूल इन्नमल आमाल बिल खवातीम, अमलों का दारो मदार खात्मा पर है। एक इंसान अच्छा अमल करता करता चला आता है और आखिर में कोई ऐसा अमल कर देता कि जिसके नतीजे वो जहन्नम में चला जाता है। कभी ऐसा होता है इंसान बहुत बुरा अमल करता करता आता है और आखिर में अल्लाह तबारक बताला उसे तौफीक दे देता, उसकी कोई अदा अल्लाह तबारक बताला की बारगाह में पसंद आ जाती, उसे जहन्नम से बचाया जाता और जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता। ये खालिस अल्लाह तबारक बताला की तकदीर पर है। अल्लाह किसको देगा? अल्लाह को मालूम है। चूंकि हमें मालूम नहीं है, इस मुनासिबत से जहन्नमी आमाल से बचना है और जन्नती आमाल की तरफ दौड़ना और लपकना है। माह रमजान के खात्मे पर इंसान के जिम्मे, बतौर खास मुसलमान के जिम्मे, छोटा हो या बड़ा हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, औरत हो या मर्द हो, अमीर हो या गरीब हो, आजाद हो या गुलाम हो, इनके जिम्मे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के खात्मे पर शव्वाल के चांद के दीदार होने पर एक और अमल को फर्ज किया है जिसके दो फायदे बतौर खास बयान किए गए। हमें उस अमल को अपने जहन में रखना चाहिए और उसको उसी अंदाज से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर से मुसलमानों के यहां रमजान के महीने में सदकों खैरात का शौक जागता है और बहुत से लोग रमजान के महीने ही को जकात की अदायगी का महीना मुकर्रर कर लेते हैं। गुंजाइश है, मना नहीं है। इस तरह इंसान रमजान के महीने में माल खर्च करता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने ऊपर जितना खर्च कर लो उसका कोई हिसाब नहीं है, 10-10 कपड़े बना लो कोई हिसाब नहीं है, जमीन और जायदाद खरीद लो कोई हिसाब नहीं है, दुकानों मकान ले लो कोई हिसाब नहीं है, भी बच्चों की खिलाने पे खर्च कर दो कोई हिसाब नहीं है। इस तरह का नजरिया भी पाया जाता है, यह भी गलत है। हिसाब तो हमेशा है, फजूल खर्ची होगी पकड़े जाएंगे, हिसाब लिया जाएगा। बहुत से लोगों ने रमजान के महीने को मुतय्यन कर लिया कि ज़कात इतनी अदा करेंगे। उसकी एक वजह होती है कि आमतौर से पैसे खर्च नहीं कर पाते, गुरबा मसाकीन की हक तलफी हो जाती, उनकी देख रेख नहीं हो पाती। इस मुनासिबत से रमजान के महीने में ज़कात को खींच कर ले आए और इसी में खर्च कर देते हैं, इनकी ज़कात भी अदा हो जाती और गुरबा मसाकीन तक पैसे पहुंच भी जाते। एक अमल जिन्हें सदकतुल फित्र के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सदकतुल फित्र फर्ज ही होता है शव्वाल के चांद निकलने के बाद, उससे पहले फर्ज नहीं है। अगर किसी इंसान की मौत
शव्वाल के चांद निकलने से पहले हो जाती है, उसके जिम्मे सदकतुल फितर अदा करना नहीं है। और अगर कोई बच्चा ईदगाह जाने से पहले पहले बच्चा पैदा हो जाता है, उस बच्चे की भी फितरा और सदकतुल फितर निकाला जाएगा। इसके वक्त कहां, शाम से लेकर यानी सूरज के डूबने और चांद के निकलने से लेकर ईदगाह जाने से पहले पहले तक इस सदकतुल फितर का वक्त है। सदकतुल फितर, फितर का सदका, इफ्तार का सदका, जिसको आमतौर से फितरा भी कहा जाता, फितराना भी कहा जाता, ज़कातुल फितर भी कहा जाता और सदकतुल फितर भी कहा जाता। एक ही इबादत के कई नाम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान पर ज़कातुल फितर को या सदका फितर को फर्ज करार दिया है। वजह उसकी क्या है, दो वजह बताई गई। तोहरतन लिस्सियाम मिन अल्लग्व व रफस व तौमतन लिल्मसाकीन। रोजा रखने वाला इंसान तो इंसान ही होता है, बशरी कमजोरियां भी हो सकती है, इंसानी कोताहियां भी सरजद हो सकती है। तो अगर रोजा में किसी किस्म की आलाइश पैदा हो गई, किसी किस्म की खराबी लग गई, तो उन खराबियों को दूर करने के लिए सदकतुल फितर को फर्ज किया गया, क्या पता कि ये आपके रोजे की छोटी मोटी खराबियां दूर कर दी जाएगी। एक वजह तो यह बताई गई कि आपका रोजा पाक हो जाएगा। अगर रोजे में किसी किस्म की भूल हो गई थी, रोजा इस लायक नहीं बन रहा था कि अल्लाह की बारगाह में उसे पेश किया जा सके, तो सदकतुल फितर की अदायगी के जरिए से आपके रोजे के हुस्न को बढ़ा दिया गया और इस अंदाज का बना दिया गया कि रोजा अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल कर सके। तोहरतन लिस्सियाम मिन अल्लग्व व रफस, लगवियात है, हल्की बुल्की कुछ गलतियां हो गई, उसकी सफाई सुधराई के लिए सदकतुल फितर को फर्ज किया गया। दूसरी बात, वत्तौमतन लिल्मसाकीन, मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए। रोजे की सफाई होगी और मिस्कीन और गरीब के घर खाना पहुंच जाएगा। वजह, कल आप ईद मनाएंगे, आपके घर में मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाने के सामान हैं, आपका पड़ोस, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका मुस्लिम भाई बहन गुरबत नादारी की बुनियाद पर ईद की खुशी मनाने के काबिल नहीं है, तो कहां कम अज कम उन्हें गल्ला पहुंचा दो कि जिसके जरिए से ईद के दिन उनके खाने पीने का मसला हल हो जाए, जिसे आप कहते हैं ये फौरी रिलीफ है। रोजे की सफाई हुई, पूरे महीने आपने रोजे रखे हैं, रोजा आपका मुकम्मल होगा शाम को मगरिब के वक्त में सूरज डूबने के बाद, तो पहले रोजे से लेकर आखिर रोजा तक जो खराबियां पैदा हुई हैं, उन खराबियों के इजाले के लिए सदकतुल फितर को फर्ज किया गया। अब अगर सदकतुल फितर को फर्ज किया, उससे फायदा गरीबों को होना चाहिए। जैसे ज़कात फर्ज किया, अमीरों से लिया जाता, गरीबों को दिया जाता, मकसद आपका माल पाक हो जाएगा और गरीबों का मसला भी हल हो जाएगा। उसी अंदाज से आपका रोजा भी पाक हो जाएगा और गरीबों के लिए ईद के दिन खाने पीने का मसला भी हल हो जाएगा। इस मुनासिबत से कहा गया वत्तौमतन लिल्मसाकीन, मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए सदकतुल फितर की फर्जियत का ऐलान किया गया। सदकतुल फितर क्या देना है, कितना देना है
और कब देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीनार और दिरहम थे, चांदी का सिक्का भी जलता था और सोने का सिक्का भी जलता था, लेकिन आपने चांदी और सोना का सिक्का देने के बजाय फर्ज किया क्या, एक सा खाना, खाने की चीज एक सा एक वजन है, नापने का आला है, जिसे आमतौर से 2.5 किलो उसमें गल्ला आता है, इतना एक आदमी की तरफ से गल्ला निकालने का हुक्म दिया गया। पैसे थे, सोना का और चांदी का सिक्का जलता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने और चांदी के सिक्के भी दे सकते थे। जैसे आज बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा देने से बहुत सारा काम हो जाएगा, गल्ला देने से क्या उसका काम होगा। पैसा देने के लिए तो आपने सदकात की रकम तो पूरा महीना निकाली, सदकात और खैरात तो पूरा महीने की है, अब रात में शाम के वक्त में उसे कुछ पैसे दीजिएगा, न कपड़ा खरीद सकता है, न कुछ और दूसरा सामान ला सकता है, उसके साथ परेशानी की बात हो जाएगी। और निकालिएगा कितना, बहुत इज्तिमाई कोशिश करने के बाद मीटिंग बैठती है, उलमा फजला हजरात की जानिब से फैसला तय होता है, अभी 45 रुपया था, इस मरतबा 65 रुपया हुआ, 65 रुपये में एक आदमी तो खाना ठीक से नहीं होगा, कौन सा पहाड़ तोड़ दीजिएगा। इसलिए सुन्नत रसूल की अदायगी में फितरा में गल्ला देना चाहिए। आदमी अपनी सहूलत चाहता, किसको गल्ला दे, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बादलमा ने कहा जो आदमी गल्ला लेने के लिए तैयार नहीं है वो सकातुल फितर का मुस्तहिकी नहीं है। इसलिए अइम्मा मुस्तहिदीन में अक्सर बेशतर उलमा ने, अइम्मा ने ही कहा कि ज़कातुल फितर में, सदकतुल फितर में गल्ला ही दिया जाएगा, खाने की चीजों में से अदा किया जाएगा। बल्कि यहां तक कहा कि अगर कोई आदमी इसकी बिलमुकाबिल कीमत देता है उसका फितरा अदा ही नहीं होगा, क्योंकि फितरा रमजान के महीने के खात्मे पर मुकम्मल रोजों की सफाई के लिए फर्ज किया गया है, तो चांद निकलने पर फर्ज होता है। अब चांद निकलने पर फर्ज होगा, कल बेचारे के घर में खाना है कि नहीं है, अपने घर में तो मुर्ग मुसल्लम बनाएंगे, बिरयानियां तोड़ेंगे, उनके पास कुछ है कि नहीं है। समाज में इस अंदाज के अहकाम नाफिज किए गए कि कल वो भी खुशी मना ले, बासमती चावल दिला दिया, बिरयानी का चावल दिला दिया और इस तरह की चीजें उन्हें पहुंचा दी, कम से कम ईद के दिन वो खुशी और मसर्रत तो मना ले। तो क्या कहा गया, साम मिन ताम, खाने की चीजों में से एक सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्द किया। साहबा कहते कुछ जमाने में हम खाते थे खजूर, खाते थे पनीर, खाते थे मक्खन, खाते थे जो खाते थे, और इसी खाने की चीजों से हम निकाला करते थे। गोया सदका फितर जो आम खुराक है, जो खाने की चीज है, उसी से निकाला जाएगा। कितना निकाला जाएगा, सा, एक सा। सात वजन है, एक हिजाजी सा, एक इराकी सा है। इराकी सा तकरीबन 3.5 किलो का होता है और हिजाजी सा जो मक्का मदीना में चलता वो 2.5 किलो का तकरीबन होता है। कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, एहतियात के तौर पर 2.5 किलो रखा गया कि अगर उसमें गेहूं वजन करेंगे तो कुछ ज्यादा या कम होगा, चावल उससे छोटा सा वजन करेंगे उसका वजन बढ़ भी सकता है, मकई उसमें डाल दिया उसका वजन घट जाएगा, उसका हजम तो बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन वजन करने की बारी आएगी पता चलेगा तो कमी है। इस मुनासिबत से कहा गया कि 2.5 किलो एक आदमी की तरफ से गल्ला निकाल दिया जाए। कब निकालेंगे, आम तौर से देखते हैं मदारिस वाले भी आते हैं, सदका फितरा देते रहिए, मांगने वाले सदका फितरा देते रहिए, वो शुरू रमजान से शुरू कर देते हैं। सदका फितर फर्द होता है शव्वाल के चांद निकलने से, आपको उसी वक्त देना है, वक्त नहीं है, रोजा को पाक करना है, गरीबों को खाना खिलाना है, तो वक्त निकालिए, अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए, वक्त ही आपके पास नहीं है। नमाज पढ़ने का वक्त मुतय्यन है, आपके हम पहले पढ़ लेते हैं,
रोजा रखने के वक्त रमजान के मुतय्यन है, रमजान से पहले शुरू कर देते हैं। तो जिस चीज का जो वक्त मुतय्यन है उसी वक्त कीजिए। अलबत्ता सहाबा इकराम का अमल था कि अगर बांटने की बात है, एक आदमी अपना अपना बांटता है, शाम को बांट देगा। अगर मजमूई तौर से बांटने की बारी होती थी तो सहाबा इकराम एक जगह जमा करते थे, एक दो दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, एक दो दिन पहले जमा करते थे, लेकिन बांटते थे भाई चांद निकलने के बाद। तो ढाई सा यानी एक सा ढाई किलो गल्ला एक आदमी की तरफ से एक आदमी को दिया जाएगा। आपके घर के कई अफराद हैं, अलग अलग सामान दे दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन वो खा खत्म कर दे, हो सकता है उसके बदले में दो चार दिन उसके लिए मसला हल हो जाए रोजी रोटी का। तो आपके तो सदका फितर अदा हो गया, आपके रोजों की सफाई पाकिदगी हो गई और साथ साथ गरीबों के खाने पीने का मसला भी हल हो गया। क्या गल्ला के बिल मुकाबिल रकम देने से सदकतुल फितर अदा होगा कि नहीं होगा? एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। चार इमामों में से तीन इमामों का फतवा है कि अगर कोई आदमी गल्ला की जगह पर कीमत देता है तो उसका फितरा अदा ही नहीं होगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जरूरत के मुताबिक अगर कीमत देता है तो चल जाएगा। और मौजूदा दौर के बाद उलमा ने भी कहा कि अगर मजबूरी है, कोई गल्ला लेने वाला नहीं है, फितरा हमको अदा करना ही करना है, तो मजबूरी की पेश नजर गुंजाइश की बात निकल सकती है, लेकिन उसकी अव्वलियत में और राजी होने में कोई शक को शुबा नहीं है कि आदमी गल्ला ही अदा करेगा। कब तक अदा करेंगे? अगर आप ईद की नमाज के बाद दिए तो आम सदका खैरात हो जाएगा, कबल खुरूज अन्नास इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ निकलने से पहले पहले इस गल्ला को मुस्तहिकीन तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी ईद की नमाज पढ़ के आए, उसके घर में चावल हो, सामान हो, आराम से खाना पकाए, आपके दरवाजे का मुस्तहिक और मोहताज ना रहे। तो मगरिब के बाद से लेकर इरशाद निकलने की खबर से लेकर ईदगाह निकलने से पहले पहले तक उसको अदा करना है। अब अगर कोई इंसान ईद के बाद अदा करता है तो कहा यह आम सदका खैरात है, फितरा आपका अदा नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, किसी इंसान को ऐसे वक्त में खबर मिली, अचानक रात में खबर मिलती है ईद हो गई है और वो दूर में है, फितरा अदा करना चाहता है, कोई मिल ही नहीं रहा है, जंगलों सहरा में है, बियाबान में है, सफर में आ रहा है, रास्ता उसको रास्ते में है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, तो किसको दे दें? गैर मुस्लिम को दे नहीं सकते, मुसलमानों से लिया जाएगा और मुसलमानों को दिया जाएगा, तो किसी को और को देंगे तो नहीं। तो कहा उसके लिए है कि वो अपना निकाल के रख दे और नमाज के बाद वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ मजबूरी है, मगर उसको निकालना है। तो सदकतुल फितर आपको निकालना है किसके लिए? तोहरतल्लिस्सियाम मिन अल्लग्वि वर्रफस, रोजा को रफस से, गुनाह के काम से और लगदिशों से पाक करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकतुल फितर को फर्ज किया और साथ साथ उसमें रखा है तो मतलिल मसाकीन, मिस्कीन के खाने खिलाने का काम हो जाता है। ज़कात आप पर फर्ज किया गया, माल आप देते हैं, अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया, अमीर बनाया है, किसी गरीब का फायदा हो जाता है, उसकी रोजी रोटी का मसला हो जाता है। तो जिस तरह ज़कात देने से आपके माल की सफाई हो जाती है और गरीबों का मसला हो जाता है, इसी अंदाज से फितरा देने के नतीजे में आपके रोजों की सफाई हो जाती है और गरीब के खाने पीने का मसला हो जाता है। आमतौर से कहा जाता कि साहिब निसाब पर सदकतुल फितर फर्ज है, यानी जो इंसान जकात निकालने का, जिस पर जकात निकालना फर्ज है वही इंसान फितरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी इंसान के पास ईद के दिन अपना खाना के बाद कुछ बचता है, उसी को सदका फितर के तौर पर देना, उसके जिम्मे ला देना, थोड़ा सा रहे या ज्यादा रहे, जो आपके पास मुयस्सर हो। अगर ढाई किलो मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं मिला तो जो मुयस्सर वही दे दीजिए। बल्कि याद रख, अगर किसी इंसान को किसी इंसान ने सदका दिया,
फितरा दे दिया, आपने किसी को फितरा दिया, वो अगर चाहता है कि अपना फितरा अदा कर दे तो आपका दिया हुआ फितरा वो किसी दूसरे को भी दे सकता है, क्योंकि उसको भी रोजे की सफाई करनी है और उसको भी गरीबों को ईद के दिन खाना खिलाने की फरीजा जिम्मेदारी। इस तरीके से सदकतुल फितर की अदायगी चाहिए, पैसे के निकालने से गुरेज कीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, गरीबों की तलाश कर लीजिए, किसके घर में पहुंचाना है चिप्स गल्ला पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी ईद के दिन अच्छी खुशी मना ले और आपका फरीजा भी अदा हो जाए, रोजे की सफाई भी हो जाए और गरीब का मसला भी हल हो जाए। रहा मसला रमजान के आखिर जुमे का, आमतौर से इस जुमा को लोग जुमतुल वदा कहते हैं, कुछ लोग जुमतुल वदा कहते हैं, लफ्ज वदा सही नहीं है, अलविदा बोलते हैं, नहीं अलवदा, वाव को जबर है, जुमतुल वदा रुखसती वाला जुमा। बजाहिर इंसान खुशी भी मनाता है और गमी भी मनाता है, कहीं कहीं सुना जाता रो रो के अलविदा अलविदा रमजान कह के अशार पढ़ के खुतबा देते हैं, ऐसा लगता है कि रमजान के जाने का बड़ा कलक है और बड़ी तकलीफ है, लेकिन वही इंसान बतौर खास जुमतुल वदा में शिरकत करते हैं जो रमजान तक में नमाज नहीं पढ़ा और जुमा नमाज नहीं पढ़ा है और साल भर तो वैसे ही पढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ, जो रमजान आया था जल्दी से भागो, तुम्हें हम गवारा नहीं कर सकते हैं, रो रो के तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, जल्दी से चले जाओ, हमारा सारा धंधा बंद हो गया था, खाने पीने का निजाम हमारा दुरुस्त नहीं था और पीने वाला का मसला हमारा बिगड़ रहा था वगैरह वगैरह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुमतुल वदा है क्या जी? इस सिलसिले में लोगों ने बहुत सारी बदअकीदगियां फैला दी। क्या जो इंसान गुनाहगार है, नमाज रोजा से उसका कोई सरोकार नहीं है, इस दिन में दो रिकत नमाज पढ़ेगा उसका सारा मसला हल हो जाएगा। जितनी भी नमाजें जानबूझ के छोड़ दिया है, सिर्फ दो रिकत नमाज पढ़ेगा सारी नमाजें उसकी माफ हो जाएंगी। बल्कि रमजान के आखिर जुमा को लोग ईद की हैसियत से मनाते हैं। एक कपड़ा इंसान ईद के लिए सिलाता है, दूसरा कपड़ा इंसान जुमतुल वदा के लिए सिलाता और पहनता है। ईद और त्योहार की हैसियत से मनाया जाता, जिस काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने की इजाजत नहीं दी, जिस काम का अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ऐसे काम से हमें गुरेज करना चाहिए और परहेज करना चाहिए। इसलिए जुमतुल वदा नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, हर जुमा हमारे लिए ईद है, वो क्रिश्चियनों का गुड फ्राइडे हो सकता है साल में एक मरतबा, हमारा सारा फ्राइडे गुड है, पूरे साल में जितने भी फ्राइडे होंगे सारे जुमे हमारे लिए ईद के दिन है। सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का, हफ्ते के दिनों का सरदार क्या है? जुमा का दिन है। तो जुमा के दिन की बड़ी फजीलत है, उसकी कद्र मंजिलत पहचानना है, लेकिन सिर्फ रमजान के आखिर जुमा की कद्र मंजिलत को पहचानी जाए और उसके बाद उसे ईद की हैसियत से मनाया जाए और यकीदा रखा जाए कि जितने गुनाह हम कर चुके हैं इस जुमा में नमाज पढ़ेंगे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बहुत से लोग इसका एहतमाम करते हैं और खास तौर से एहतमाम करते हैं, नया नया कपड़ा भी पहनते हैं और सुबह से उसकी तैयारी में लगे रहते हैं, बल्कि देहात और गांव के इलाके से भी लोग आकर शहर की किसी बड़ी मस्जिद में जुमतुल वदा पढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि बड़ी जमात में हमारी शिरकत हो जाएगी, सारे बड़े गुनाह भी माफ हो जाएंगे। याद रखिएगा, वदा नामी जुमा कुछ नहीं है, जिस तरह रमजान के सारे जुमे थे उसी तरीके से ये भी जुमा है। रमजान के जुमों की फजीलत बढ़ जाती है आम दिनों के बिलमुकाबिल, जिस तरह आम दिनों का आम महीनों में दिन होते हैं, हफ्ते में दिन होते हैं और हफ्ते के दिन जुमा का दिन होता है उसकी कदर मंजिल ज्यादा होती है, तो आम महीनों के बिलमुकाबिल रमजान का काबिल दरबार होना तो मुसल्लम है, तो रमजान के हर दिन मुसल्लम है, तो रमजान के जुमा की फजीलत भी मुसल्लम है, लेकिन उसके लिए आखिर जुमा को जुमतुल वदा के तौर पर मनाना और ईद की हैसियत देना ये बिदअती अमल है, इससे आदमी को गुरेज करना चाहिए। अगर कोई इस नीयत से जुमा में शिरकत किया
अगर आपको बुरी लगी हो तो अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा। मैं आपकी इसलाह की खातिर बताता हूं कि आइंदा इस किस्म का अकीदा नहीं रखिएगा, वरना किया भी नहीं या कर भी लिया और फायदा भी नहीं हुआ सिवा उल्टा नुकसान के। क्योंकि अगर कोई इंसान बिदत का अमल करता है, मेहनत तो मुजाहदे तो कर लेता है, लेकिन उल्टा उसके सर पे गुनाह का बोझ चढ़ जाता और उसके लिए ढोए फिरता। इसलिए आइंदा इसका ख्याल रखिएगा कि जुमतुल वदा नाम की कोई ईद नहीं है, सारे जुमा रमजान के बराबर है। इस मुनासिबत से हमें रमजान के जुमों की कदर बतौर खास करना है, बल्कि सारे जुमों की कदर करनी है। अगर कोई इंसान तीन जुमा लगातार छोड़ देता है, रमजान ही नहीं कभी, कुतिब मुनाफिकन फी किताबिल्लाह युमहावला युबद्दल, ऐसे इंसान को मुनाफिक ऐसी किताब में लिख दिया जाता है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अपने बच्चों को मुनाफिक बनाते हैं तो डर नहीं लगता, तो कैसे बना दिया भाई? कारोबार में मशगूल होने के नतीजे में जुमा नहीं पढ़ते, किसी कंपनी में नौकरी करने के नतीजे में कई कई जुमा नहीं पढ़ते, स्कूल और कॉलेज में तालीम होने के नतीजे में मुस्तकिल कई कई जुमा अपने बच्चों को छोड़ा देते, उसकी परवाह नहीं होती, जिसके नतीजे में ईमान जाय हो जाता है। क्योंकि तो रमजान का जुमा बादाब ने छुट्टी ली जाती उसके लिए, कंपनी से मुतालबा किया जाता है और बहुत सारी छुट्टी की शक्लें बनाई जाती। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो गुनाह के काम को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, इसलिए उससे गुरेज कीजिए। और आखिर की बात कह के बात खत्म होती है। रमजान के महीने के खात्मे पर शुरू में बात आई थी, रोजे इसलिए फर्द किए गए थे लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकियों परहेजगार बनकर जहन्नम से बच सके। रमजान के खात्मे पर कहा गया भले तुकमिलुल इद्दा व तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, गिनती पूरी कीजिए, अल्लाह की बड़ाई का इजहार कीजिए और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। रमजान में जो तौफीक मिली है इबादतें करने की, इबादत की जाए जो भी शक्ल जायज शक्ल है, उन इबादतों के सबब शुक्रिया के तौर पर दोगाना अदा करने की ताकीद की गई, जिसे हम ईद उल फित्र की नमाज के नाम से जानते हैं। तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़िएगा, वो अल्लाह की बड़ाई का इजहार होता है। देखते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह होती है। जिस दर जाइए आप पर्दे में चले आइए, जिस अल्लाह की बड़ाई का इजहार होता है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपको तौफीक दी, आपने इबादत की, आपने नजराना इबादत को पेश किया, अल्लाह की मर्जी को हुसूल किया, हासिल किया। नतीजे के तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं और साथ साथ मगफरत की भीख मांगते, लाई हमने जो मेहनत मुजाहिदा किया है, जो मेहनत जो इबादतें की है, रियादतें की है, जो बंदगी की है, उन इबादतों को कबूल फरमा कर हमारी खताओं को हमारी गलतियों को तुम माफ फरमा दे। उस पर इंसान शुक्रिया अदा करता है, उस शुक्रगुजारी के लिए ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो ईद की नमाज पढ़िए, आप वहीं पढ़िए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने को कहा। अगर कोई मजबूरी नहीं है, उज्र शरी नहीं है, तो नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर के मुताबिक मैदान में पढ़ना चाहिए। मैदान में नमाज पढ़िए, बल्कि आपने यहां तक कहा घर में जिन जिन पर आपका जोर है उन तमाम को मैदान पहुंचाइए। छोटे बच्चे हैं उनको भी मैदान लेके जाइए, औरतें हैं उनको भी मैदान लेके जाइए, आप खुद भी पहुंचिए। औरतों के पास अगर चादर वगैरह नहीं है, अपनी बहन और सहेली की चादर में घुस के जाए मगर वही ईदगाह जाए। अगर औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, माहवारी आयाम से दो चार होने के नतीजे में नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो कहां मस्जिद जहां नमाज पढ़ने की जगह है उसके बिलमुकाबिल अलग से कोई जगह बना दी जाए, वहां बैठे और वो मुसलमानों की दुआओं में और उसकी जिक्र में या नसीहत की बातों में शरीक हो जाए। इतनी अहमियत दी गई है नमाज ईद की। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, वक्त नहीं है, रात भर जो जागते रहते हैं और फजर की नमाज तो गोल कर ही देते हैं, बहुत से लोगों की ईद की नमाज भी छूट जाती है। कहां जाए, रेड रोड में 9 बजे है, खोज के रखते वहां 9 बजे निकल जाएंगे। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि वहां भी तौफीक नहीं मिलती, सोए रहते जोर में उठते। मिसाल में एक मरतबा ईद की नमाज पढ़ने का मौका मिलता उसमें भी जाना गवारा नहीं। इसलिए वक्त की पाबंदी के साथ नमाज की अदायगी की कोशिश कीजिए। ईदगाह में नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वही नमाज पढ़िए।
मजबूरी आ गई, बारिश हो गई, कहां जाएंगे? अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए या कई ऐसी जगह इंतजाम कर लीजिए जहां नमाज पढ़ने की सहूलतें हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जाते थे, घर वालों को ले आते थे, सहाबा किराम अपनी औरतों को और अपने बच्चों को भी ले आते थे। जो औरतें नमाज पढ़ने के लायक नहीं है उनको भी ले जाना पड़ता था, वो भी किनारा होकर के मुसलमानों की दुआ में शिरकत करती थी और बाद नसीहत से फायदा उठाती थी। इसलिए सुन्नत रसूल के मुताबिक ईदगाह में नमाज पढ़िए और नमाज की पाबंदी का खास एहतमाम कीजिए। खुद भी जाइए, दोस्त अहबाब को लेके जाइए, घर वालों को लेके जाइए, हर आदमी कोशिश करे कि ईदगाह तक पहुंचे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। फिर इज्तिमाई शक्ल में नमाज होगी, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का इजहार होगा, खुली फिजा में अल्लाह की किबरियाई के गुण गाएंगे, अल्लाह की बड़ाई का तज़किरा करेंगे, अल्लाह की हमद सना बयान होगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला से कोई डायरेक्ट रब्ता होता है कि इलाही हमने तेरी बारगाह में इबादतों का नजराना पेश किया है, इसे शर्फ कबूलियत फरमाकर हमारी खताओं को हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक में रहमत फरमाए। इलाही जो मैं बीमार उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दे। अल्लाह जो मकरूद है उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियात फराम कर दें, जो माखूद गिरफ्तार है उनके लिए रिहाई के सबाब पैदा कर दें। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है उन तमाम के हर जायज मुराद को पूरी फरमा दें। इलाही फ़िरका वाराना फसाद से अमन व अमान की दौलत अता फरमा दें। जगह जगह पर ऐसे हरकत व सकनात किए जाने के इम्कान भी है जिससे मुसलमानों की ईद में खराबी पैदा हो जाए। इलाही तू गैब से हमारी हिफाजत फरमा और ईद की खुशी मनाने के लिए जितनी सहूलियात हो सकती है वो सारी सहूलियात हमें फराम कर दें। इलाही रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमा लें, इसमें की जाने वाली इबादतों को शर्फ कबूलियत बख्श दें। हमारी जानिब से जो कोताही और लगदिशें हुई है इलाही उसे माफ़ फरमा दें और जो इबादतें हमने की हैं उसे कबूल फरमा कर हमारे दर्जात को बढ़ा दें, हमें जहन्नम से बचा लें और हमें जन्नत का मुस्तहिक बना दें। أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين।